वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी, श्री गोइंदवाल साहब विखे श्री गुरु अमरदास साहब जी की सेवा विच सन। उस वेले श्री गुरु अमरदास साहब जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी जी का आनंद कारज भाई जेठा श्री गुरु रामदास जी नाल कर दिता। भाई जेठा जी फिर भी सेवा विच लगे रहिंदे। एक दिन सोढ़ी वंश विचों चाचे ताए मिलन लई आए। उस वेले बौली साहब की कार सेवा हो रही सी। भाई जेठा जी सिर ते मिट्टी की टोकरी ढो रहे सन। सारे संबंधी वेख के बहुत हैरान होए ते मखौल नाल कहा कि देख लो सहुरे घर विच आ के किवें सिर विच मिट्टी पवाई है। भाई जेठा जी ने उन्हां दा सत्कार कीता ते फिर उसे तरह सेवा विच मस्त हो के लगे गए। संबंधियों ने श्री गुरु अमरदास साहब जी पास जा के कहा कि महाराज जी तुहानू तां साडी सोढ़ियां दी कुल दी लाज रखनी चाहीदी है। भाई जेठा जी तुहाडे जवाई होण करके सिर ते मिट्टी ढोंदे पए हन। श्री गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी वल वेख्या ते बहुत प्रसन्न होए अते बचन कीता कि इन्हां दे सिर उपर मिट्टी दी टोकरी नहीं दीन दुनी दा छतर चुलेगा। फिर सतगुरां ने भाई जेठा जी श्री गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी बख्श दित्ती अते सतगुरु रामदास जी गुरता गद्दी उपर सभायमान होए। जदों सतगुरु जी लाहौर विखे गए उत्थे संबंधियों ने अपने पक्ष दीआं गल्लां कीतीआं तां सतगुरां ने उन्हां दे प्रथाए इह शब्द उचारण कीता। एक जो अद्वैत स्वरूप परमेशर है ओंकार सारिआं दा प्रकाशक जो सतगुर कहिए सतगुरां दी प्रसाद किरपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। आसा राग दे दूसरे घर सुर ताल विच चौथे पातशाह जी उचारदे हन। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। हे भाई किसी ने तो दोस्तां मित्रां पुत्रां अते भरावां दे नाल साथ धड़ा पख बनना कीता है। किसी ने सके अपने कुड़म जिन्हां नूं लड़की दित्ती जावे जां लई जावे। लड़की अते लड़के दा पिता आपस विच कुड़म हुंदे अते सके जवाई दामाद नाल धड़ा पख बनना कीता है। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल आपणे सोआई।